गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से लेकर 2025 तक। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि एक प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहते हैं। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 2025 को मंजूरी दे दी है। आप लोग देखिए, कुछ समय पहले आप लोग देखते होंगे कि काफी आपको गिद्ध देखने को मिलते थे गांव की तरफ, तो आप लोग और उड़ते हुए हमेशा देखते थे, लेकिन आज आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ना के बराबर, मुश्किल से बहुत अच्छी बात है कि आपको दिखाई दे देता है, तो वरना सब खत्म हो चुके हैं एक तरह से। तो इनको बचाने के लिए ये भी हमारे पर्यावरण के हिस्सा है, हमारी एक तरह से जितना हमारा धरती पर अधिकार है उतना ही इनका भी है, तो इन्हें बचाने की एक तरह से कवायद शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपने देखा होगा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, टाइगर यानी टाइगरों को बचाने के लिए, हाथी परियोजना आपने देखी होगी हाथियों को बचाने के लिए, तो ये भी आपकी एक तरह से कार्य योजना चलाई जा रही है। तो याद रखना 2020 से 2025 तक। भारत समेत अन्य देशों में लगातार गिद्धों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है और एवं कुछ प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। कई सारे शोधों में यह तथ्य सामने आया है कि मवेशियों की देखभाल के लिए उपाय की जाने वाली गिद्धों के लिए जहर का काम करती है। एक तरह से आप कहिए कि ये बात है कि जब आपने देखा होगा कोई मवेशी यानी कि कोई भी आपका पशु मरता है तो आप फेंक देते थे, जंगलों में डाल देते उसे। आप देखते होंगे कि उस समय गिद्ध आते थे उसे, मतलब उस एक तरह से उनका भोजन गिद्धों का यही रहते थे। तो क्या करेंगे आप लोग, देखते होंगे कि आप लोग मवेशियों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, कई दवाइयां दे रहे हैं उन्हें, तो इसके कारण एक बहुत जहर है और यही उनके लिए खतरनाक है एक तरह से। किन के लिए? गिद्धों के लिए। और उनकी संख्या में गिरावट या विलुप्ति की बात की जाए तो यही कारण है उनकी विलुप्ति के। पशुओं में दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाने वाली डेक्लोफिनेक इस दवा को याद रखिए, दवा गिद्धों में किडनी फेल होने का एक बड़ा कारण है जिससे इनकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई है। आप लोग भी देखते होंगे कि मानव की भी यानी कि इंसान की भी किडनी खराब होती है और कुछ दिन बाद वो चल बसता है, तो एक तरह से आप कहिए कि इनकी भी किडनी होती है, सब कुछ शरीर में अंग है, तो उस पर प्रभाव इस दवा का जरूर देखा जाता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार गिद्धों की संख्या में 99% तक की कमी आ गई है। मुझे तो अब दिखाई भी नहीं देते, मैंने कई समय पहले मतलब बहुत समय पहले बहुत देखते थे, हर जगह आप कहीं भी जाइए दिखाई दे देते थे आप लोगों को, लेकिन इस समय आपको ना के बराबर देखने को मिल रहा है। हालांकि 2006 में ही इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अभी भी इसका कथित तौर पर उपयोग किया जा रहा है। एक सबसे बुरी बात हमारे भारत में ही है, आप लोगों को पता है, कोई भी नियम आ जाए, कानून आ जाए, कोई भी दवा प्रतिबंध हो जाए, कुछ भी प्रतिबंध हो जाए, लेकिन फिर भी उसका उपयोग होता रहता है। आप समझ रहे हैं कि आप सोचिए 2006 में से प्रतिबंध कर दिया गया इस दवा को, फिर भी अभी भी उपयोग हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार का चुनाव था, उसमें आपने देखा है कि कई ऐसे जो सोशल मीडिया है उस पर मैंने देखा कि दारू बंद है वहां बिहार में, फिर भी दारू की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, लोग खुले चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार साहब को कि देखिए मैं पी रहा हूं। वर्तमान में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र में IUCN की गंभीर संकटग्रस्त सूची में शामिल गिद्धों की तीन प्रजातियां ब्राइट बैक्ड लॉन्ग बेल्ट और स्लेंडर बेल्ट का संरक्षण किया जा रहा है। तो याद रखिए, ये आपकी जो IUCN की गंभीर संकटग्रस्त सूची में इन्हें तीन को प्रजातियों को शामिल किया गया है वर्तमान में। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना अगर 2020 से 2025 के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने गिद्धों के संरक्षण की योजना को मंजूरी दी है और जिसके तहत गिद्धों के लिए जहर बन रही मवेशियों के इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवाओं को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित किया जाएगा इसे। अब देखते हैं कि कितना प्रतिबंधित होता है और किस तरह से लागू होता है, क्या होता है, लागू होता है। इस कार्य योजना में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु
तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान है। ये राज्यों को भी आपको याद रखना है, किन्हें? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में। एक बार आपको दिखा देता हूं मैप्स में, ठीक है? हो सकता है इससे कि काफी याद बना रहे। देखिए आप लोग, ये है हमारा प्यारा भारत। क्या है हमारा प्यारा भारत? इसमें आप देखेंगे आपको पड़ोसी है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। इसमें देखेंगे बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना है, और यह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। इसमें ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगर हम लोग त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक की बात करें और तमिलनाडु की, तो त्रिपुरा आपका ये है त्रिपुरा। आप सभी लोग जानते होंगे त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीन तरफ से घेर रखा है। यह है त्रिपुरा, पूर्वी भारत का राज्य। उसके बाद महाराष्ट्र आप देखें तो यहाँ है महाराष्ट्र नीचे, ठीक है? कर्नाटक की बात करें तो नीचे चलिए, कर्नाटक आपको ये कर्नाटक देखने को मिलेगा, ये तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यही हालत। इसमें लाल सिर वाले गिद्धों और मिस्र के गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन का भी प्रावधान किया गया है। इनका भी प्रावधान क्या किया गया है? किया गया है। और गिद्धों की मौजूदा आबादी के संरक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सुरक्षित गिद्ध क्षेत्र बनाने की भी योजना है। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 2025 के अनुसार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में चार बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उत्तर भारत में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, ये भोपाल एमपी का शहर है, पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद। इसके अलावा इस कार्ययोजना में गिद्धों की जनसंख्या जनसंख्या को ट्रैक करने के लिए नियमित सर्वेक्षण की भी परिकल्पना की गई है। अगर गिद्ध बहु प्रजाति कार्ययोजना की हम लोग बात करें तो गिद्ध बहु प्रजाति कार्ययोजना को प्रवासी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के 2017 में मनीला फिलीपींस में आयोजित किए गए 12वें सम्मेलन में अपनाया गया था, और 2020 में गांधी नगर गुजरात में आयोजित सीएमएस यानी कि जो आपकी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की बैठक हुई थी COP 13 में गिद्ध बहु प्रजाति कार्य योजना की पहली रणनीति भी शुरू की गई। इसमें आप देखिए कि 2000 ये आपका अभी 2020 में जो हुआ था आपका सीएमएस की बैठक, ये आपकी हुई थी कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। ये आप जानते हैं गुजरात का शहर है, देखिए ए, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। और 2017 में जो हुई थी 12वीं, ये आपकी फिलीपींस में मनीला में हुई थी, ठीक है? यहाँ गुजरात के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि आप देखते होंगे आपके प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी आज यहीं बैठे हुए हैं। एक तरह से आप कहिए कि हमारे इंडिया की पॉलिटी मतलब राजनीति पर एक तरह से काबिज है गुजरात का। इसकी राजधानी है गांधीनगर, और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी, और यहाँ आपको विधानसभा सीटों की 182 संख्या है, राज्यसभा सीटें 11 हैं, लोकसभा सीटें 26 हैं, ठीक है? इस रणनीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, किसके? जो बहु प्रजाति कार्य योजना की पहली रणनीति थी, अनजाने विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के कारण मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करना, गिद्धों के अंगों के व्यापार में रोक लगाना, शिकारियों द्वारा किए जाने वाले जहर के उपयोग को प्रतिबंधित करना। एक तरह से इनके अंग भी एक तरह से व्यापार भी होता है इनका। आप देखते होंगे टाइगर की या शेर होता था, उसकी खाल हाथी के दांतों को बेचा जाता था। दक्षिण भारत में काफी आप देखते थे इसका व्यापार, तो इसी तरह से इनके भी अंग कई तरह से आप उपयोगी होते होंगे, इसलिए लोग खरीदते भी हैं, विदेशों में भी इनका व्यापार होता है। सभी सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक गिद्ध संकट से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय गिद्ध टास्क फोर्स का गठन किया जाना है, और 2029 में इस गिद्ध बहु प्रजाति कार्य योजना की मूल्यांकन की रिपोर्ट जारी करना है। अगर आपसे बात करें राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में, तो केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982 के 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन वर्ष 2003 में किया गया था। कब? 2003 में। भारत का प्रधानमंत्री इस बोर्ड का पदेन उप अध्यक्ष होता है, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसके पदेन
उपाध्यक्ष होते हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। अगर इसके कार्यों की हम लोग बात करें तो यह वन्य जीवों संबंधी मामलों की समीक्षा करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों व इसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने के लिए के संदर्भ में केंद्र सरकार को सलाह देने वाला शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्य जीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। बिना राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित निर्णय राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही लिए जाते हैं। तो यही आपका राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड हो गया है, इसके कार्य भी हो गए आपके, और आपको गिद्धों को बचाने के लिए जो परियोजनाएं चला रही जा रही हैं उनके बारे में भी आपने जान लिया है। अगर क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, बीटी में, तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे मुझे लगता है।